नम न हो। भगवान करे तुम्हें रोज नई गर्लफ्रेंड मिले, मगर उनकी उम्र 60 से कम ना हो। तो दोस्तों, जो आपने अभी स्टेटस जो देखा है या फिर जो आप अभी स्टेटस देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ प्रकार का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो स्पीडो में एंड तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे बहुत ही इजी और बहुत ही आसान स्टेप में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है अलाइट मोशन। यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको इसका मोड वर्जन चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंड दोस्तों, इसमें जो भी मटेरियल वगैरह यूज़ होगा उसको इम्पोर्ट कर लेना है आपको अलाइट मोशन में। इम्पोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाने के बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको मोर पे जाना है। जब डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्ट एंड प्रीसेट जो दिख रहा है आपको, सॉन्ग बिट मार्क, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सॉन्ग बिट मार्क एंड सेक इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक करके इसको इम्पोर्ट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। प्लस के बगल में आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सॉन्ग बिट मार्क एंड सेक इफेक्ट, आपको सॉन्ग बिट मार्क को ओपन कर लेना है। गाइस, यहाँ पर आपको ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है 4.5 रेशियो, इस पर आपको क्लिक करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके प्लस पे क्लिक करके आपको कुछ इस प्रकार से कोई भी फोटो अपना अटैच करके थ्री डॉट पर क्लिक करके फुल स्क्रीन करके, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेटिंग बगल में इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको क्रिएट फ्रेम PNG पे करके एक्सपोर्ट कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपको 8 फोटो को ऐड कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको क्लोज करके आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करके सॉन्ग बिट मार्क में आ जाए। दोस्तों, टोटल आपको 7 से 8 फोटो को कर लेना है इस तरह से। इसके इतना करने के बाद आपको जो दिख रहा है पहला वाला इमेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है और कलर एंड फील पे जाना है और यहाँ से स्टार वाला बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप जो फोटो ऐड किए रहेंगे आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पिंक वाला, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो आपको दिख रहा है आपको ये जो ग्रुप वन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और एडिट ग्रुप पे आपको क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले फोटो को ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कलर एंड फील पर जाना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है स्टार पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो फोटो क्रिएट किए रहेंगे आप उस फोटो को यहाँ पर इस तरह से लगा लीजिएगा। तो ये फोटो गाइस यहाँ से लेकर के पूरा लास्ट फोटो पर, जितना भी फोटो है आपका लास्ट तक जो भी फोटो शो होगा आपको यहाँ तक सभी पर इस प्रकार से ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं फटाफट से इस प्रकार से फोटो को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं जो कि हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एरो पर क्लिक करना है और जो आपको ग्रुप बनना है इस पर क्लिक करना है और आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इस प्रकार से इसको यहाँ से लास्ट तक आके मिला देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा जो इफेक्ट के साथ फोटो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फोटो लगा लेना है। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जो सेकेंड है ग्रुप टू है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और एडिट्स ग्रुप पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट वाला, आपको इस पर क्लिक करना है और कलर एंड फील पे जा करके आपको दिख रहा है स्टार, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो फोटो चूज़ किए रहेंगे आपको फोटो पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करके कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, इतना करने के बाद आपको फिर से बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से जो आप वीडियो क्रिएट किए रहेंगे आपको यहाँ पर क्लिक करके ये जो दिख रहा है जो टाइमिंग दिख रहा है इस पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से इसको मिला देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नीचे, यहाँ पर आपको कुछ जो फोटो ऐड करना है यहाँ से लेकर के पूरा लास्ट तक आपको फोटो ऐड करना है। तो फोटो कैसे कैसे ऐड करना है वो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो ये फोटो हमारा इतना ही रहेगा, तो आपको इससे बचे भाग को इस तरह से कट कर देना है। फिर आपको इस तरह से क्लिक करके इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको जो दिख रहा है ये फोटो आपको इस पर क्लिक कर देना है और ये जो फोटो रहेगा हमारा थर्ड इस पर थर्ड पर क्लिक करके फिर सबसे पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आपको कर देना है।
फिर आपको एरो पे क्लिक करके बचे हुए भाग को इस तरह से कट कर देना है। फिर ये हमारा हो जाएगा। फिर आपको एरो पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो भी फोटो आप क्रिएट किए रहेंगे, आपको फोटो पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको जो बीट मार्क है इस तरह से आपको ऐड कर देना है। तो ये फोटो हमारा पूरा टोटली ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फोटो है, हाफ फोटो, यहाँ तक जो हमारा तीसरा फोटो है यहाँ तक हाफ फोटो होगा, जैसे इस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो आपको टाइमिंग यहाँ तक लेना जो कि 15:04 तक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद इफेक्ट कैसे कैसे लगाना होगा आपको बताएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको फोटो को ऐड कर देना है। इस पर इफेक्ट कैसे लगाना है वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। सबको बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको सबसे पहले बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेग इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट आपको जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इफेक्ट पर फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, थर्ड पर क्लिक कर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर आपको बैक करना है अपने 100 बीट मार्क में आ जाना। तो 100 बीट मार्क में आने के बाद आपको एरो पे क्लिक करने के आपको आगे आना है, ठीक है। और आपको आगे आने के बाद जो आपको दिख रहा है यहाँ से फोटो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और आपको फोटो पे क्लिक करना है, इस तरह से पेस्ट कर देना है। आपको जो छोटा वाला बीट दिख रहा है आपको यहाँ पर आकर यहाँ तक आना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करना है और इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है। जितना भी आपको छोटा वाला बीट दिख रहा है यहाँ से लेकर के आपको सभी फोटो पे इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। फिर आपको जो बीच वाला दिख रहा है यहाँ पर हमारा जो पहला वाला इफेक्ट है आपको यहीं पर ला कर इसको पेस्ट कर देना है, जो कि हमारा ये वाला है, ठीक है। तो इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम आगे आ जाएंगे स्क्रॉल करके, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जबकि हम आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर जो बीच वाला फोटो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपको आगे आना है फटाफट से, और आगे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दूसरा इफेक्ट लगाना है, तो आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको सही इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जो दिख रहा है आपको दूसरा वाला इफेक्ट, जो कि ये है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको बैक करना है, अपने 100 बीट मार्क में आ जाना है। दोस्तों 100 बीट मार्क में आने के बाद आपको फटाफट से आपको आगे आ जाना है। आगे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से फोटो पे क्लिक करके इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि हमारा यहाँ तक हमारा ये वाला इफेक्ट यहाँ तक रहेगा, ठीक है। फिर आपको होता है 20-30 से स्टार्ट होता है दूसरा इफेक्ट, आपको बैक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेक इफेक्ट में ये वाला इफेक्ट, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और इस तरह से कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 100 बीट मार्क। दोस्तों 100 बीट मार्क में आने के बाद आपको स्क्रॉल करके आपको आगे आना है और आगे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ प्रकार से फोटो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आगे आना, जो छोटा वाला आपको सबसे बीट दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ से जो दिख रहा है 20-30 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा ये इफेक्ट लग जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर दिया है, तो इतना जाने के बाद आपको पूरा फोटो पर यहाँ से यहाँ तक लगाना है, ठीक है। फिर लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला इफेक्ट, ठीक है। तो आपको मैं बताया वो स्टार्टिंग वाला भी आप लगा सकते हैं या फिर आपको मैं जो दिया हूँ आप ये वाला भी लगा सकते हैं जो दूसरा वाला इफेक्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस, आपका हमारा जो आज का स्टेटस है वो फाइनली बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो पहले मैं नंबर देता था और नंबर मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ उसका रीज़न आपको बताऊंगा आगे जा करके। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं हमारा स्टेटस कम्प्लीट हो चुका है। अब इसको एक्सपोर्ट करना है, तो सेटिंग के बगल में आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। ऐसे आपका मात्र 5 से 10 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नए और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।